नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। बहुजन समाज पार्टीच्या परभणी शहराध्यक्षपदी दिलीप परसराम बोरकर यांची नियुक्ती। इंजिनियर अरविंद रणवीर बसपा विधानसभा अध्यक्ष परभणी आणि समाधान पोटभरे जिल्हा कार्याध्यक्ष सचिव यांच्या वतीने ही निवड करण्यात आली आहे। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला हार घालून या ठिकाणी निवड करण्यात आली। त्यावेळी जिल्हा सल्लागार आनंद देशमुख, जिल्हा प्रभारी जाफर खान, जिल्हा कार्य सचिव समाधान पोटभरे, विधानसभा अध्यक्ष इंजिनियर अनिरुद्ध रणवीर, संजय बगाटे, सिद्धांत भिसे, अक्षय जगदडे, विलास सरकटे, भीमराव लांडगे, दीपक पंचांगे यांच्या उपस्थितीत ही निवड करण्यात आली। यावेळी दिलीप परसराम बोरकर यांचे पुष्पहार घालून स्वागत करण्यात आले व त्यांना पुढील कार्यास शुभेच्छा देण्यात आल्या। देशमुख साहब के जेरे निगरानी में, रणवीर समाधान की पोटभरे के जेरे निगरानी में आज जो यहाँ पर नियुक्ति हुई है, दिलीप बनकर साहब की शहर अध्यक्ष, बोरकर साहब की जिला शहर अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है। आने वाली महापालिका में बहुजन समाज पार्टी पूरे ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे सौ बराबर अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगी। और हमने यहाँ पर पूरे शहर में जो है सो कम से कम 150 कैडर कैंप किए हैं, जिस जो कैडर कैंप जो है सो अनिरुद्ध रणवीर और समाधान जी पोटभरे और हमारे जिलाध्यक्ष दिग्विजय साहब, आनंद जी दिग्विजय साहब के सदारत में जो हुए हैं। और हमारा एक वोट है जो कैडर बेस्ड वोट है, और कोई अगर ये समझता है कि कहीं ना कहीं हमारे नंबर कम है तो वो गलतफहमी में है। जो लोग लोकसभा में 400 थे वो आज 4 पे आ गए, और जो लोग 2 थे वो 200 पे आ गए। इसी तरह से बहन जी एक ऐसी नेता है, देश की एक ऐसी नेता है जो बहुजनों का साथ, सबका साथ, हम सबका विकास, बहुजनों का विकास के लिए काम करती है। और आने वाले 2022 में, इसके बाद 2024 में देश में प्रधानमंत्री के रेंज की अगर कोई लीडर है तो बहन कुमारी मायावती जी है, जो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 4-4 बार मुख्यमंत्री अपने बलबूते पे रह चुकी है। देश का यूपी का जो यूपी में राज करता है, यूपी से ही रास्ता जो है सो दिल्ली की तरफ जाता है। और हमारे हम बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिला परिषद, पंचायत समिति, महापालिका और नगर पालिका अपने बलबूते पे पूरे ताकत से लड़ेंगी। इतना ही मैं कहता हूँ। समाज पार्टी का ये जो मिशन है कि राष्ट्रीय पार्टी बहना मायावती के नेतृत्व में ये पूरे भारतवर्ष में अपने खुद के बल पर चुनाव जीतकर बहुजनों के हितों की रक्षा करेगी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्य विधानसभा हो, या महानगर पालिका हो, या स्थानीय स्वराज्य संस्था हो। हर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर जनता के सामने जाएगी और बहुजनों का संघर्ष करेगी। इसीलिए हर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का विकास करने के लिए बहना मायावती के नेतृत्व में प्रमाण है। समाज पक्ष के वतीने आज जिले बहुत जोर पर धरना शहरा के प्रतिनिधि डाली है, तसेच महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीनं बहुजन समाज पार्टीची तयारी चालू आहे, त्या ती तयारी अतुलनीय तयारी आहे। बहुजन समाज पक्षाच्या संपर्कामध्ये या परभणी जिल्ह्यातले 25 उमेदवार आज घडीला आपल्याकडे तयार आहेत। त्याचबरोबर येत्या काळामध्ये सर्व जागा लढवण्याची आम्ही तयारी करत आहोत। मुस्लिम समाज असेल, ब्राह्मण समाज असेल, ओबीसी समाज असेल, मराठा समाज असेल, सर्व समाजामध्ये जाऊन एक कॅडरची व्यूहरचना करून आमचं काम, बहुजन समाज पक्षाचं काम फार काही दिसतं नसतं, पण बहुजन समाज पक्ष कॅडरच्या माध्यमातून कॅडरची व्यूहरचना करून मोठ्या प्रमाणामध्ये तयारी करत आहे। देशाच्या नेत्या बहन कुमारी मायावती जी यांच्या नेतृत्वामध्ये, व तसेच महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय संदीप चाळणी यांनी अगोदरच घोषणा केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये महापौर बनाव, हे अभियान पूर्ण महाराष्ट्रभर चालू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून प्रदेशाध्यक्षांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही परभणीमध्ये बॅलन्स ऑफ पॉवर नाही तर पूर्ण ताकदीनिशी महापौर बनवण्याचं अभियान या ठिकाणी चालू केलेलं आहे। आणि येत्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बहुजन समाज पक्ष महानगरपालिकेच्या
निवडणूक मैदानामध्ये दिसेल आणि दिसणारच नाही तर येता महापौरा बहुजन समाज पक्षाचा असेल या ठिकाणी येताच एक पार्ट म्हणून आज शहर अध्यक्षपदी दिलीप बोरकर साहेबांची नियुक्ती करण्यात आली. धन्यवाद. जय हिंद. आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज.